गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बागडोगरा से मैं ज्वाली ब्लॉग बोल रही हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं बागडोगरा से ज्वाली ब्लॉग बोल रही हूँ। और मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और छोटू सा एक ब्लॉग बनाऊंगी। और मेरा तबीयत बहुत ही खराब था, इसलिए मतलब ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। और अभी मेरे बेटी ने सब कुछ किया, मैं चाय नाश्ता बिस्तर में किया और फिर उठा 12 बजे। उठने के बाद नहाया, फिर खाना वाना खाया। खाने के बाद गाइस आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगी मैं। चलिए गाइस, देखो छोटू सा अंकुर आया। मिर्ची देखिए, मिर्ची पकड़ा है, छोटा सा मिर्ची देखिए, छोटा छोटा मिर्ची पकड़ा है। और बहुत सारा फूल आया है। और लौकी का पौधा है ये, और बैंगन का चारा लगा है। बैंगन भी छोटा सा ही बैंगन आया यहाँ पे। ये रही बैगन, छोटा सा पकड़ा है। और गाइस और इस पौधा में तो देखिए कीड़ा लग गया, फिर भी फूल दिया है। और गाइस इधर भी मिर्ची बहुत सारा पकड़ा है। तो गाइस चलिए मैं और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को। पपीता, ये पपीता, 5 पपीता पकड़ा है, 5 नहीं 6 पपीता पकड़ा है गाइस। तो मैं इसको ना आज मतलब कौवा के लिए एक पूरा बांध के रखा था प्लास्टिक से, क्योंकि कौवा आते हैं और पक्षी हो तो पक्षी आप लोग को पता ही है पक्षी क्या करते हैं। तो पपीता, वाओ पूरा पक गया है, एकदम लाल लाल। दूर में जा, दूर। पपीता, लाल लाल पपीता, वाओ। तो इसको मैं अभी काटूंगी और खाऊंगी। चलिए वाओ, और मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो गाइस, कमेंट जरूर कीजिएगा। दिन हो गया पपीता पक के पेड़ पे ही था। ओह देख, वाओ गाइस, अब देख सकते हो बीज कितना अच्छा है। देखिए काला काला मोती जैसा लग रहा है, देखिए मोती जैसा एकदम, दोनों में मोती। एकदम मोती जैसा लग रहा है, वाओ ना। पूरा मीठा, आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप लोग नहीं मानते हैं मेरी बात, शेयर नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब तो और नहीं करते हैं, फिर भी मैं बोलूँगी। देखते हैं कब होते हैं मेरा वीडियो में शेयर और कमेंट। तो चलिए गाइस, देखते रहे जॉली ब्लॉग। चलिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून। चलिए बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ta-da pura meetha